नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार झारखंड का नंबर वन यूट्यूब चैनल लाइव सिटीज और मैं हूं आपके साथ साहेब अली। आप जो तस्वीरें अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं ये तस्वीरें महाराजगंज लोकसभा सीट की है। दरअसल राजद के टिकट पर चुनाव लड़ रहे रणधीर सिंह मांझी पहुंचे हुए थे। वहां पर उन्होंने प्रचार प्रसार के लिए लोगों से मुलाकात की और जनसंपर्क अभियान चलाया। आपको बता दें कि इस बार महाराजगंज में जो कांटे की टक्कर है वो बीजेपी बनाम आरजेडी है, यानी कि महागठबंधन बनाम एनडीए। बीजेपी के टिकट पर जनार्दन सिंह सिग्रीवाल वहां से चुनाव मैदान में हैं, चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरी तरफ प्रभुनाथ सिंह के बेटे रणधीर सिंह राजद के टिकट पर वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। आपको बता दें कि महाराजगंज लोकसभा सीट पर सीधी टक्कर एनडीए बनाम महागठबंधन की है, मतलब साफ है कि बीजेपी बनाम आरजेडी। बीजेपी के टिकट पर जनार्दन सिंह सिग्रीवाल वहां से चुनाव मैदान में हैं। दूसरी तरफ राजद के टिकट पर प्रभुनाथ सिंह के बेटे रणधीर सिंह चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं। दावा कर रहे हैं कि उनको अपार जनसमर्थन मिल रहा है। आप ये तस्वीरें देखिए, मांझी की तस्वीरें हैं। मांझी में रणधीर सिंह पहुंचे हुए थे, उनके साथ लोग मौजूद थे और वहाँ पर वो जनसंपर्क अभियान चला रहे थे। आपको बता दें कि राजद की तरफ से कई बार बड़े चेहरों की तरह लोग पहुंचे हैं वहां पर महाराजगंज में वोट मांगने के लिए। महागठबंधन के भी कई बड़े चेहरे महाराजगंज में कैंप कर रहे हैं लगातार। 12 मई को महाराजगंज में चुनाव होना है और इसके लेकर के लगातार वहां पर चुनाव प्रचार चलाया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि राजद दावा कर रहा है कि इस बार महागठबंधन को जनता का समर्थन मिल रहा है। वहीं बीजेपी के नेता भी लगातार इस बारे में कह रहे हैं कि महागठबंधन यहां से आने वाला नहीं है। आपको बता दें कि 23 मई को जब नतीजे सामने आएंगे तो महाराजगंज लोकसभा सीट पर जीत किसको मिलती है ये देखना दिलचस्प होगा। आपको बता दें कि महाराजगंज लोकसभा सीट को लेकर के कड़ी मेहनत दोनों ही पार्टियों की तरफ से की जा रही है, या फिर राजद की बात करें या बीजेपी की तरफ से बात करें, सभी के नेता वहां पहुंच रहे हैं, वोट मांग रहे हैं, लोगों से जुड़ रहे हैं। देखिए 23 मई को क्या देती है जनता, वहां के रिजल्ट जो होगा, किसको संसद में भेजती है सांसद चुन करके, रणधीर सिंह वहां से विजयी होते हैं या फिर जनार्दन सिंह सिग्रीवाल को जनता का विश्वास मिलता है, कौन प्रतिनिधित्व करता है लोकसभा में महाराजगंज लोकसभा सीट से, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल चुनाव को लेकर के सरगर्मी तेज है, लगातार चुनाव प्रचार अभियान चलाया जा रहा है। आप लाइव सिटी साथ बने रहिए, हमारे यूट्यूब चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज को लाइक करिए और विस्तार से खबरों को पढ़ने के लिए लाइव सिटीज.in पर जाएँ। धन्यवाद।